बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मुगल स्टाइल कुकिंग। आज मैं आप लोग के साथ एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो है वैरायटी चॉकलेट ट्रफल्स। और ये चॉकलेट ट्रफल्स हम ओरियो बिस्किट से बनाएंगे। ये दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और जायके में भी बहुत टेस्टी होते हैं। वैसे तो ओरियो से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, लेकिन आज मैं आप लोग को सिखाऊंगी ओरियो ट्रफल्स। अब यहाँ पर हमने डार्क चॉकलेट ले लिए, कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे इसको कट कर लिया है। अब हम इसको मेल्ट होने के लिए रख देंगे, और मेल्ट करने के लिए हम इसको ओवन में भी रख सकते हैं, या फिर गर्म पानी के ऊपर प्लेट रख के उसमें चॉकलेट डाल देंगे तो उससे भी मेल्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हम ओरियो बिस्किट ले लेंगे और इसको पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ, इसी तरह से आप लोगों ने भी करना है। और इसको हमने बिल्कुल पाउडर की तरह कर लेना है। जब पाउडर की तरह हो जाएगा फिर उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है मिल्क। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिल्क ले लिया है, उसको हम चम्मच की मदद से इसमें ऐड करते जाएंगे, और हम दूध को थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करते जाएंगे। और दूध को इतना शामिल करना है कि इसकी डव बन जाए, और डव जो है ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। हम जिस तरह से इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं इसी तरह से आपको करना है। और दूध डालने के बाद हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको इस तरह से मिक्स कर लिए है। अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स के साइज़ आप कोई से भी साइज़ ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये साइज़ लिया है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से हम बॉल्स बना लेंगे, आप देख सकते हैं। अब जो हमने डार्क चॉकलेट मेल्ट करके रखी थी इसकी हम कोटिंग कर देंगे बॉल्स की जी। अब हम इसमें वनीला चिप्स की कोटिंग कर देंगे, आप देख सकते हैं हम किस तरह से इसकी कोटिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम इसमें स्प्रिंकल्स की कोटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम पिस्ते की कोटिंग कर देंगे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर उसके बाद हम इसमें पीनट की कोटिंग करेंगे। जी, तो यहाँ ये बॉल्स तैयार हैं, अब मैं इसको टेस्ट करने जा रही हूँ। वेरी टेस्टी, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसे लगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।